गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को आवाज और ऑडियो क्लियर आ रहा है तो कमेंट करके बताओ बेटा। आज हम फिर से लेट हैं, बट थोड़ा फास्ट करेंगे तो आपका जितना छूट गया ना वो सब कवर हो जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स सभी बच्चे कमेंट करके बताओ क्लास सेशन क्या था हमारा। अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट टाइम भी हमारे 8th क्लास में था आरबीएससी के बुक में भी, ठीक है। इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए इसमें एक क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंडेबल हो, जैसे मैंने कहा आपके पास मेरे से 10 रुपये ज़्यादा है, तो क्या आपकी जो रुपीज की जो वैल्यू है वो मेरे रुपीज पे डिपेंडेबल है, मतलब मेरे पास 100 होंगे तो आपके पास 110, अगर मेरे पास 5 रुपीज होंगे तो आपके पास 10 और यानी कि 15 रुपीज होंगे। बात समझ में आ रही, मतलब आपके रुपीज की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, मेरे रुपीज पे। क्लियर है बच्चों? तो इसी टाइप से हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो भी हमारे पास 2 क्वांटिटीज गिवन होगी उनमें से एक क्वांटिटी जो होगी वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगी, तो जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में अज्यूम करते हैं। लेट एक्स लेट वाई, ये किसको अज्यूम करते हैं, जिसके ऊपर दूसरी वाली जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेबल होती है। क्लियर है बच्चों? लेट अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपके पास मुझसे 10 रुपये ज्यादा है, मतलब आप मुझ पे डिपेंडेबल हो तो मैं अपना अमाउंट एक्स मानूंगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा मोर देन 10 यानी कि एक्स प्लस 10। क्लियर है? तो इसी टाइप से इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सभी में 2 क्वांटिटीज को कंपेयर किया गया है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी और सेकंड पे डिपेंडेबल है या फिर सेकंड वाली फर्स्ट पे। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटे, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल मतलब इस टाइप का है। अब इस स्विमिंग पूल का जो पेरिमीटर हमें दिया है वो 154 मीटर है, मतलब पेरिमीटर में क्या आता है बेटे, सभी साइड का सम आता है, ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये, या फिर आप कह सकते हो टू ब्रैकेट एल प्लस ए, ये तो आता है पैरामीटर, वो कितना है बच्चों 154 मीटर। क्लियर है? तो हमारे पास इसमें लेंथ और ब्रीथ जो है वो 2 क्वांटिटी है, उनमें से एक फर्स्ट जो क्वांटिटी है एल वो बी पे डिपेंडेबल है, तो हम किसको बी को वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ लास्ट के लिए, ठीक है। लेट ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू एक्स मीटर। बेटे ब्रीथ को हमने एक्स क्यों माना, बिकॉज ब्रीथ के ऊपर कौन डिपेंडेबल है, लेंथ। तो मैंने अभी बात की थी जिसके ऊपर दूसरी क्वांटिटी डिपेंडेबल होगी हम उसी को एक्स मानेंगे, फिर वाई मानेंगे, कुछ भी वेरिएबल मानेंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ है ना वो ब्रीथ पर डिपेंडेबल है, ठीक है, तो ब्रीथ को हमें मानना होगा जो भी मानना है। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, मतलब ब्रीथ का डबल और उससे भी 2 मीटर मोर देन है, कौन, लेंथ। क्लियर बच्चों?
तो हम क्या करेंगे, देयर देन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रिज के डबल से भी कितनी ज्यादा, दो जैसा, समझ गए, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रिज एंड टू मोर, इसके ब्रिज की ट्वाइस से कितना ज्यादा, दो। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा, थम्स अप कर दो मुझे। गुड, जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया है थम्स अप करके बताओ, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों ना। हमें क्या किया बेटे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, ठीक है, मैं स्विमिंग नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काफी लंबा सेंटेंस हो जाता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल कितना है बच्चों, 154 मीटर। और वैसे हम जानते हैं पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इस फॉर्म इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे, टू ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 154। अब यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास ये देखो लेंथ कितनी है, तो एल की जगह रखेंगे 2x प्लस 2, फिर आगे प्लस आ गया बच्चों ब्रिथ, ब्रिथ को हमने क्या माना है बेटे, देखो ब्रिथ क्या मानी है, b की जगह x इज इक्वल टू 154। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, जब हम सब करके बताओ बेटा, ओके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2x और ये 1x ये रहा, कितने x हो गए बेटे, 3x प्लस 2, और बाहर 2 इधर मल्टीप्लाई में है, चाहो तो इसको अंदर लेके जा सकते हो और चाहो तो इधर इसके डिवाइड में भी लेके जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं इसको अंदर लेके जाता हूं, चलो इज इक्वल टू 154 चल ही रहा है। 2 को अंदर लेके जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो 2 को 3 से करेंगे तो 6 और साथ में रहेगा x, फिर बीच में प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 इज इक्वल टू 154। अब देखो बेटा ये वेरिएबल वाला है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे हम, तो इधर बचेगा 6x, उधर हो जाएगा 154 में से ये 4 प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू आएगा 154 में से 4 माइनस करोगे तो 150 लेफ्ट रहेगा बच्चों। अब x की वैल्यू चाहिए तो 150 में डिवाइड करेंगे हम 6 का, देखो 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, अब 6 का इसमें डिवाइड दो बेटे, 6 2 जा 12 6 5 जा 35 25 टाइम गया, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25, क्लियर है। तो हमने x किसको माना था, ब्रिथ को, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ब्रिथ ऑफ पूल कितनी होगी बच्चों, x इज इक्वल टू 25 मीटर, एंड लेंथ को क्या माना था बेटा हमने, लेंथ थी हमारी 2x प्लस 2, यानी कि इसका डबल करेंगे और उसमें 2 और प्लस कर देंगे तो ये आएगी 52। देखो 25 की जगह 50 प्लस 2 तो कितना हो गया बेटे, 52 मीटर, हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। लेंथ तो कितना आ गया बच्चों, 25 मीटर, और सॉरी ब्रिथ कितना आ गया 25 मीटर, और लेंथ कितना आ गया 52 मीटर। जिसको ये समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डू इट फास्ट बेटे। सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखेंगे, कोई भी वीडियो हाइड नहीं करेगा, सभी कैमरा ऑन रखो अपना। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक्सप्रेशन शो होने चाहिए आप लोगों के। देखिए मैं यहां से आपकी आईडी बंद कर दूंगा, पहले बता रहा, इसलिए आप वीडियो विजिबल रखो। ये हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान दीजिएगा द बेस ऑफ एन एच स्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर एंड द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स बेटे सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एच स्केल ट्रायंगल क्या होता है तो मैं बताता हूं जिस ट्रायंगल के अंदर टू साइड इक्वल होती है मान लो ये वाली साइड इसकी इक्वल है ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया बच्चों ठीक है तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें इक्वल वाली साइड को फाइंड आउट करनी है और ये हमें गिवन है ये वाली साइड कितनी है बच्चों 4/3 मीटर सेंटीमीटर कितनी है थर्ड साइड 4/3 सेंटीमीटर क्लियर है बच्चों मान लेते हैं हम ये वाली साइड क्या है बेटे एक्स तो ये भी c के इक्वल है तो ये भी क्या होगी बच्चों x होगी कि नहीं तो अपन यहां पे लिखेंगे ये कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा था लेट आइदर बोथ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x मीटर एंड थर्ड थर्ड साइड कितना है बेटे 4/3 सेंटीमीटर इसको भी सेंटीमीटर ही लिखना है देन पेरिमीटर क्या होगा बेटे सभी साइड का सम होता है ट्रायंगल का पेरिमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स तो पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा बेटे इन तीनों को ऐड कर देंगे हम तो x प्लस x और प्लस 4/3 अब बच्चों हमें पैरामीटर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो वो है 4/2/15 तो हम यहां पे पैरामीटर की जगह 4/2/15 रख दिए इज इक्वल टू x प्लस x कितने x हो गए 2x प्लस 1/3 इसको एलसीएम लो 15 4 60 प्लस 2 62/15 इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3 अब बेटा आप देख रहे हैं ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है ये कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट की तरफ आ जाएगी तो कितना आएगा बेटे इधर 65/15 था हमारे पास ये प्लस 1/3 है इधर आएगा तो -1/3 इज इक्वल टू 2x लेफ्ट रहेगा बेटे अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3 का और 15 का एलसीएम 15 आता है बच्चों तो ये तो 15 है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो 62 को ये 15 नहीं है तो इसको 15 बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है बच्चों 5 के मल्टीप्लाई की देखो 5 से ये 15 हो जाएगा तो ऊपर क्या आएगा 1 5 5 बीच में माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 2x ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया आप चाहो तो लगा भी सकते हो चाहो तो इसको हटा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब 62 में से 5 माइनस करेगा तो 57 बचेगा बच्चों और नीचे बचेगा 15 इज इक्वल टू 2x अब हमें तो बेटा x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे हम तो 57/15 था अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 1 इससे होगा और 2 इससे होगा ठीक है तो 15 की मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x बचेगा अब 57/15 2 30 इज इक्वल टू x अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 30 बन जाए 30 बच गए 27/30 इज इक्वल टू x ये दोनों 3 से डिविजिबल है 3 9 27 3 10 30 इज इक्वल टू x तो हमारा x इज इक्वल टू एवरेज 1 राइट 9/10 सेंटीमीटर
इतना नोट करो कि लास्ट में लिखना है देयरफॉर बोथ इक्वल साइड्स x is equal to कितना है बेटे 1 right 9 upon 10 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा। गिव मी थम्स अप इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन। मैं रिपीट करूंगा, पहले से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बेटा हम रिपीट कर रहे हैं इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है वन ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कैसे बेटे आइसोस के, तो आइसोस के ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती है और वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं बेटे, इक्वल साइड्स को x मान लेते हैं। तो मैंने वही लिखा है, लेट आइदर बोथ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज बी गिवन बेटे अपन पास 4 / 3 सेंटीमीटर, और पेरिमीटर भी गिवन है बेटे 4 राइट 2 बाय 15 सेंटीमीटर। तो हम वही काम करेंगे, अब हमारे पास सभी साइड है इक्वल टू x मान लिया, ये वाली पहले से गिवन है, हमारे पास 3 साइड्स आ गई हैं, तो हम इसका पेरिमीटर निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला पेरिमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो हमने यहां पे फार्मूला लगाया इज इक्वल टू सभी साइड का सम कर दिया, ये वाली और ये वाली तीनों साइड को सम कर दिया, तो ये पेरिमीटर हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो हम पैरामीटर के पैरामीटर की जो वैल्यू है 4 right 2 by 15 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो पैरामीटर की फॉर्मूले की जगह लिख देते हैं इज इक्वल टू, ये जो सॉल्व कर रहे हैं देखो x plus x कितने x होगे 2x और प्लस में क्या बचा 1/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब भी आप x फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और ये प्लस करते हो, तो 15 4 जाए 60 और प्लस में 2 करोगे तो 62 ऊपर आ जाएगा और नीचे 15 रहेगा, ठीक है। ऐसे यहां पे 2x plus 1/3 ऐसे कैसे चल रहा है, अब इस 62 / 15 और इधर 1/3 ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट को इधर लेके आते हैं, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर ऐड करके हो जाएगा बेटे माइनस, और इधर क्या बचेगा सिर्फ 2x, इनके एलसीएम लेंगे 15 आएगा, अब इसमें 15 करना है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 5 बन गया 5 और इधर 62, क्योंकि पहले से 15 है, इसको कुछ नहीं करना है, 62 इधर आ जाएगा और माइनस माइनस यहां पे 5 क्यों आएगा बेटे, ये भी 15 होना चाहिए था, 15 करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम नीचे नहीं करते ऊपर ही कर देते हैं, 5 बन जा 5, इसमें 5 रख दिया तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया 5 इज इक्वल टू 2x। अब 62 में से 5 माइनस करेंगे 57 बचेगा, नीचे 15 है हमारे पास, इधर 2x / 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो बेटा मैं इसके बटे में 1 लगा सकता हूं, तो 2 / 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इससे, तो 1 को इससे करोगे तो 57 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, तो 57 / 30 आ गया इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा सिर्फ x, और हमें x ही चाहिए था, तो x ही वाली ये भी लिख सकते हो, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 30 का डिवाइड 57 में तो 1 टाइम जाएगा, 27 लेफ्ट रहेगा, नीचे 30 बचेगा, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 से 27 में देखो 9 टाइम जाएगा और इसमें 30 का डिवाइड दोगे 10 टाइम जाएगा, तो x का भी ये लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों, जिसको समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, जल्दी करो। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मैं इसको मेरा रूम मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, sum of two numbers is 95 if one exceeds the other by 15 find the number। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे, मान लीजिए हमें किसी ने 100 रुपीज दी, ठीक है, अब उन 100 रुपीज में हम मान लो एक आप और एक मैं, टू पर्सन है जिनको 100 रुपी पे कर दे,
ऐसा मानते हैं कि आपके जो पैसे है ना वो 30 है, तो मेरे पास कितने बचेंगे? फिर 70 बचेंगे बेटा। कैसे निकाला? जो टोटल अमाउंट हमारे पास था दोनों का सम, भी दोनों के पैसे थे दोनों का सम है ना, तो उसमें से हमने क्या किया, जिसके पैसे हम जानते हैं उसकी माइनस कर देते हैं। मान लिया हम जानते हैं आपके रुपए 30 है, तो मैंने क्या किया 30 रुपीज उसमें से माइनस कर दिया, तो 70 मेरे बच गए ना। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर समझ रहे हो तो थम सब करके बोलो बेटा, क्योंकि आज मेरे पास जो स्क्रीन है वो साइड में रखी है आप लोगों की, तो मैं एक बार कैमरे में देखता हूँ आपकी तरफ और एक बार स्क्रीन की तरफ देखता हूँ, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर्स, ये मान लो पर दोनों के रुपए है, ठीक है, कितना है बच्चों 95 रुपीज। अब हमें पता होना चाहिए, कोई एक नंबर तो पता होनी चाहिए ना। अब दोनों में से कोई सी पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, खुद मान लेते हैं। तो लेट वन नंबर कितनी है बच्चों, एक्स है, तो अदर कितनी बची है बच्चों, 95 माइनस एक्स, बच्चे के ही नहीं बताओ, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ बेटा समझ में आई आपको? अभी तो मैंने बताया था टोटल रुपीज 100 है, अगर आपके 30 है तो मेरे कितने बचेंगे 100 माइनस 30, ऐसे ही टोटल सम कितना है 95। अगर उनमें से वन नंबर एक्स है तो दूसरी वाली कितनी बचेगी, 95 माइनस एक्स बचेगी ना बेटा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, If one exceeds the other by 15, अगर इनमें से एक नंबर है ना वो दूसरी वाले से 15 ज्यादा है, exceed का मतलब बड़ी है, ठीक है? तो condition को call करते हैं, मान लो x है ना, वो दूसरी वाली नंबर 95 minus x से कितनी ज्यादा है मेरे बच्चों, 15 ज्यादा है, ठीक है? आप चाहो तो इसको इधर रख सकते हो, इसको यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि उसने ये नहीं कहा पहले वाली दूसरी से ज्यादा है, उसने ये कहा एक नंबर दूसरी नंबर से ज्यादा है, और पहले वाली दूसरी से ज्यादा हो सकती है, फिर दूसरी वाली नंबर पहले वाली से ज्यादा हो सकती है, क्लियर है ना? इसमें ये नहीं कहा कौन सी नंबर किससे ज्यादा है, इसने ये कहा एक नंबर दूसरी से ज्यादा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मान लो ये दूसरी वाली नंबर है वो फर्स्ट वाली नंबर से 15 ज्यादा है, ऐसे कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना? दोनों तरफ का करके हम पहले ऐसे करते हैं, तो बेटे x इज इक्वल 95 और ये प्लस 15, टोटल कितना हो बेटे 110 माइनस x, x को x की तरफ ले आते हैं तो x था ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x इज इक्वल टू कितना है बेटे 110, तो x प्लस x कितने x हो गए बच्चों 2x इज इक्वल टू 110, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको 2 को उसमें डिवाइड करोगे, x इज इक्वल टू 110 में 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटे 55 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी बची बेटा 55, तो एक नंबर आ गया हमारे पास 55, क्योंकि पहले वाले एक नंबर को हमने x माना था, तो दूसरे नंबर क्या आएगी 95 में से x माइनस कर दो, देन वन नंबर इज इक्वल टू कितनी है बेटे x इज इक्वल टू आ गई हमारे पास 55, सो अदर नंबर क्या हो बेटे 95 माइनस x, यानी कि 95 में से x की वैल्यू 55 माइनस करो तो कितने बचे बेटे 40, तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, एक आई 55 और दूसरी आई बेटे 40, क्लियर है? चेक करना हो तो इन दोनों को ऐड करके देखो 95 आ रहा है। अब इससे करके देखते हैं, वही काम होने वाला है, 95 ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो एक्स है ये, और ये एक्स उधर जाएगा, उधर माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, बट ये प्लस के 15 इधर आएंगे तो 95 माइनस क्या हो जाएंगे बेटे माइनस हो जाएंगे ना, क्यों बेटा माइनस होंगे कि नहीं,
95 में से 15 माइनस कीजिए तो 80 बचे बच्चों, और उधर x plus x कितने x हो गए 2x, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 80 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू है 40। वापस हमारे पास एक नंबर क्या आ गया 40, तो दूसरी क्या आएगी therefore वन नंबर कितनी आई बेटे x is equal to 40 आ गई, so other number क्या आएगी 95 minus x, तो 95 में से x की वैल्यू 40 माइनस करो तो दूसरी नंबर कितनी बचेगी बेटे 55। देखो दोनों को ही आंसर आ रहा है, इसमें पहले वाली 55 आ जाएगी तो दूसरी 40, अगर दूसरी 40 आ जाएगी तो पहले वाली 40 आ जाएगी तो दूसरी 55 आ जाएगी। बात समझ में आई, गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेटा इनमें से कोई एक करना है आपको, ठीक है, आप चाहो तो ये वाला कर दो यहां तक, या फिर चाहो तो यहां से करके ये वाला कर दो यहां तक, आपकी मर्जी है, कोई सा कर लो, एक कर लो ठीक है, दोनों ही सही है, आप एग्जाम में भी करेंगे दोनों क्वेश्चन सही है ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको, अभी हमारे पास 2 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा शायद, मिटा रहा हूं बेटा इसको, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी, इसमें साइड पर जाओ, हो गया शायद स्क्रीन शॉट हो गया आपका, थम्स अप करो। चलो नहीं हो पाएगा अभी तो क्वेश्चन, एक मिनट ही बचा है, तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय। और बेटा इसके जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो करके लाना, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, इस ये 2.2 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 21 क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी कुछ क्वेश्चन खुद की तरफ से करके लाए ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।